Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icon so never miss any new updates. अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो जुड़िए चेक एंड डायल से। चेक एंड डायल ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी, हमारी ऐप चेक एंड डायल को इंस्टॉल करके फ्री में अपने बिजनेस को अपलोड करें। पानीपत व स्मालखा के सभी दुकानदारों की जानकारी, नाम व नंबर चेक एंड डायल पर करें सर्च। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 90530 90570। स्टडी इन यूके विद और विदाउट आईलेट्स पी आफ्टर वीजा निक्सन वीजा कंसल्टेंट। गैप एक्सेप्टेबल, स्पाउस कैन गो अलोन, एश्योर्ड इंटर्नशिप 1 to 2 years, स्कॉलरशिप 2000 to 5000 GBP। रामगोपाल एस्टेट, मिशन सारूक कॉलोनी, पानीपत। कॉन्टैक्ट नंबर 9094200484। ट्रैफिक नियमों का पालन करने वालों को नहीं रोकेगी पुलिस, डीजीपी ने दिए आदेश। कॉलेजों में बढ़ी हुई फीस को लेकर इनसो ने किया विरोध प्रदर्शन की नारेबाजी। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा अपनी मांग को लेकर कर्मचारियों ने दिया धरना, सौंपा ज्ञापन। शास्त्री कॉलोनी की मुख्य गली लोगों के लिए बनी परेशानी का सबब, नहीं हो रहा समस्या का समाधान। अपने पिता की याद में भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने किया 2 वाटर कूलरों का उद्घाटन। आईविल पब्लिक स्कूल में हुई हिंदी भाषण प्रतियोगिता, टैगोर सदन रहा प्रथम। गीता विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल में हुआ सैंडविच व लेमन मेकिंग एक्टिविटी का आयोजन। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत धनादर और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। सड़कों पर यातायात नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को अब सिर्फ दस्तावेज की जाँच के लिए नहीं रोका जाएगा, ये आदेश हरियाणा के DGP मनोज यादव ने दिए हैं। राज्य में पुलिस अब सड़कों पर यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाने वालों को सिर्फ दस्तावेजों की जांच के लिए नहीं रोकेगी। सिर्फ ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को ही पुलिस कर्मी कागज देखने के लिए रोकेंगे और उनके चालान काटेंगे। सड़कों पर कहीं भी वाहनों को रोककर दस्तावेज जांचने की सालों से चली आ रही प्रथा पर DGP मनोज यादव ने रोक लगा दी है। इस संबंध में सभी पुलिस आयुक्तों, IG ट्रैफिक एवं राजमार्ग और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किया गया है। वाहन चालकों द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करने की स्थिति में दस्तावेजों की जांच बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। DGP ने बताया कि इस नई पहल को शुरू करने का मकसद वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना व सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन रोकना है। ये जानकारी आज DSP हेडक्वार्टर सतीश कुमार वस्त ने मीडिया को दी। देखिए, कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी माननीय DGP महोदय की अध्यक्षता में सभी SPs की और सीनियर ऑफिसर्स की। उसमें निर्देश दिए गए हैं कि भी कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कहीं भी किसी चौक चौराहे पर या रास्ते पर चेकिंग कर रहा है, वो स्पेशल किसी भी गाड़ी को कागज़ देखने के लिए नहीं रोक सकता जब तक कि उसने कोई ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन ना की। हाँ, अगर वो कोई आदमी ट्रैफिक रूल की वायलेशन करता है और पुलिस वाला उसको रोकता है तो डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। इसके अलावा अगर स्पेशल नाका हमने इसी चीज़ के लिए लगाया, कोई व्हीकल चोरी हो गया है और स्पेशल नाका इसी के लिए लगाया है
तो उस समय पर डॉक्यूमेंट चेक किए जा सकते, उसी समय से जिस समय डीजी साहब के आदेश हुए थे उसी समय से लागू हो गया ऑल ओवर हरियाणा। इनसो द्वारा आज कॉलेजों में बढ़ी हुई फीस को लेकर आईबिल कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया और साथ ही नारेबाजी भी की गई। जननायक जनता पार्टी की छात्र इकाई इनसो के प्रदेश प्रवक्ता बलराज देशवाल, जिला चेयरमैन राजेंद्र जेलदार और जिला अध्यक्ष मनुमान के नेतृत्व में छात्रों ने आईबी कॉलेज प्रबंधक द्वारा मनमानी से दाखिले करने और फीस बढ़ाने के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर कॉलेज के गेट पर ताला जड़ दिया। छात्र नेताओं ने कहा कि प्रदेश का उच्चतर शिक्षा विभाग ऑनलाइन एडमिशन की प्रयोगशाला बनकर रह गया है। आईबी कॉलेज प्रबंधक छात्रों से मनमानी फीस वसूल रहा है, जिसका इनसो विरोध करता है। आज हमने कॉलेज गेट पर तालाबंदी की, इनसो ने हमारी मांग है कि ये कॉलेज प्रशासन लगातार छात्रों के साथ अपनी मनमानी से फीस बढ़ाकर छात्रों से पैसे वसूल रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने एक लिस्ट तो कॉलेज में लगाई, दूसरी लिस्ट जो नौ को बोली गई थी वो नहीं लगाई। ये ओपन काउंसलिंग के नाम पर बच्चों से पैसे हटकर मोटी रकम लेकर छात्रों के छात्र छात्राओं का दिल कराने में लगे हुए हैं। एक तरफ तो ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बयान देते हैं, एक तरफ से हमारी बहनें हमारी बेटियां हैं जो माताएं हैं उनके माता पिता हैं वो ऐसे धूम में बाहर खड़े रहते हैं, उनकी कोई सुनवाई करने वाला भी नहीं है। अगर किसी बच्चे के माता पिता अंदर मिलने जाते हैं कि हमारे लड़के लड़की के 90% अंक हैं, हमारा एडमिशन ओपन काउंसिलिंग में आप करो देखो, तो ये बोलते हैं हमारे पास सीटें नहीं हैं। तो सीटें कहाँ गई? लगभग पूरे तीनों कॉलेजों में 6,000 से ज़्यादा सीटें खाली हैं, लेकिन उन्होंने ओपन काउंसिलिंग के नाम पर अपने मनमाने चाहतों को दाखिला लेने में लगे हैं। इसके विरोध में आज इनसो ने यहाँ तालाबंदी की है, गेट पर धरना प्रदर्शन किया है और आदमी को चेताने आए हैं। अगर कल से दोबारा सुचारू रूप से यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के हिसाब से दाखिले नहीं किए गए तो इनसो दोबारा कल किसी टाइम कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन करेगी और तब तक यहाँ से नहीं उठेगी, तब तक इन छात्र छात्राओं की जो छात्र विरोधी निर्णय लिया गया है इसको ये वापस नहीं लेते। आज आईबी कॉलेज के बाद इनसो पानीपत ने ताला लगाया है, जबकि हमने परसों बता दिया था जो छात्र विरोधी निर्णय सरकार ने ले रखा है कि एक लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट लगी है। ओपन काउंसलिंग को 16 तारीख को जिन्होंने वो पहले स्टार्ट कर दी है और ओपन काउंसलिंग कोई काउंसलिंग नहीं है, वो सिर्फ क्या कह रहे हैं फीस भरो एडमिशन लो। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं तो 60% 65% वाले एडमिशन हो रहे हैं, 85-90% जिनको ये था कि मेरा लिस्ट में नाम आएगा मैं घर बताऊंगा, मैं पढ़ा था और लिस्ट में नाम आया, उनका एडमिशन नहीं, उनको यही नहीं पता कि कॉलेज में ओपन काउंसलिंग चल रही है। कोई जाता पढ़ा लिखा तो कहते हैं भाई सीट फुल होगी, हम पूछ रहा था पहली लिस्ट में नाम आया तो उसके बाद काउंसिल के बाद सीट फुल होगी। 5,000 रुपये लेके ये लोग ये कह रहे हैं कि आप टोकन मनी दे दो आपके 20 बजे कट देंगे, कहाँ से इनको सब मोदी आ गया गाइडलाइन के 5,000 रुपये लेके सीट बुक करो, जबकि कॉलेज में किसी में सीट बुक नहीं होती, सीधा एडमिशन होता है। कहाँ से लिस्ट बना रही है ये लोग, कहाँ से मतलब सरकार के सारे में चल रही है। जो सरकारी अगर कोई बंदा आके कहता है कोई बीजेपी का आता है चाहे लेके 23% एडमिशन होगा, यहाँ सुबह किसी की मदर आती है किसी गुड़िया के साथ एडमिशन लेने के लिए 75% नंबर हो, कहता आप बाहर वेट करो। पेरेंट्स बड़े हो गए, जो मंत्री एमएलए आ रहे हैं वो बड़े हो गए, पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि अफसर बने, ये नहीं पढ़ाते कि कॉलेज गेट पर खड़े रहे सारे बच्चे। रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर एससी के बाहर धरना दिया गया और साथ ही संबंधित विभाग को ज्ञापन भी सौंपा गया। सर्कल के रिटायर्ड कर्मचारी द्वारा अपनी मांग को लेकर एससी के बाहर धरना दे ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंप उन्होंने मांग की कि 2016 से पहले की पेंशन को संशोधित किया जाए। उनका कहना है कि पेंशन संशोधन का आदेश हरियाणा सरकार के वित्त विभाग को पहले ही दिया गया था, लेकिन अभी तक बिजली निगम और अन्य कई निगमों ने इस आदेश को अडोप्ट नहीं किया है। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द उनकी उठाई गई मांग को माना जाए। रिटायर्ड कर्मचारी संघ का प्रदेश सत्र में एससी बिजली विभाग के एससी के बाहर अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन है। हरियाणा सरकार द्वारा पेंशन संशोधन पत्र 10/1/2018 को लागू किया गया, जो कि सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट के महकमे में लागू किया गया। हरियाणा सरकार से मुख्यमंत्री से हमारी मांग है कि बुगम निगम मैनेजमेंट बोर्ड विश्वविद्यालय कॉरपोरेशन में इस पत्र को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। अगर समय रहते सरकार ने फिर भी आज के धरने के बाद भी सरकार चेती नहीं तो 30 तारीख को प्रदेश सत्र में विधायकों के बाहर 10 बजे से 3 बजे तक धरना दे करके ज्ञापन दिया जाएगा। ओल्ड गुहाना रोड स्थित शास्त्री कॉलोनी की मुख्य गली लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि ये समस्या पिछले 2 सालों से है, लेकिन अभी तक किसी ने भी समस्या का समाधान नहीं किया। ओल्ड गुहाना रोड स्थित शास्त्री कॉलोनी की मुख्य गली लोगों के लिए परेशानी बन गई है। इसमें सिर्फ गड्ढे बचे हैं, निकासी व्यवस्था भी ठप होने के कारण हल्की बरसात में ही बदतर हालात हो जाते हैं। पानी भरने से गड्ढों का पता ही नहीं चलता, इसमें गिर कर राहगीर और दोपहिया चालक जख्मी हो जाते हैं। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि वो कई बार इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। उनका कहना है कि कॉलोनी में 2 साल से ऐसे ही हालात हैं।
कॉलोनी में गली का निर्माण शुरू कराया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही ठेकेदार काम छोड़कर चला गया। ये वार्ड 19 शास्त्री कॉलोनी और पुराना गुहाना रोड, ओल्ड गुहाना रोड जिसको बोलते हैं, ये अंडर पासिंग यहाँ से लेके सीधा ये संजय चौक पे निकलती है, पुराना गुहाना रोड। यहाँ पर लगभग 2 वर्ष से ये एजीपी ये हालात इसके सेम एजीपी हैं। आप देख रहे हो जैसे बच्चे स्कूल में सुबह आते हुए, टीचर्स भी आते हैं स्कूल में, बच्चे भी आते हैं, आने जाने में इतनी प्रॉब्लम होती है। अभी तो सिर्फ एक ही दिन की बारिश की वजह से ये हालत है, और आने वाले टाइम मानसून का टाइम है, उसमें बच्चों को से लेके बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, माताओं, बहनों सबको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। हम बार बार कहते बीजेपी की सरकार रह रही है ऊपर से लेके नीचे तक, जहाँ भी ऑलमोस्ट बीजेपी की सरकार है, और हम ये चाहते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी तुरंत कार्रवाई हो, ताकि किसी कोई भी महिलाएं माताएं कोई भी किसी हादसे का शिकार ना हो। ये काफ़ी टाइम से कम से कम 1 साल से ऊपर हो गया हमारा रोड टूटा हुआ। ये हर बार आते हैं 2 या 3 महीने में, कभी तोड़ के चले जाते हैं, कभी मिट्टी गिर जाते हैं, जब आश्वासन दे जाते हैं कि अब ठीक होएगा, जब ठीक होएगा। हम हर जगह घूम लिए, MC के पास चले गए, MLA के पास चले गए, हर जगह घूम लिए। ठीक है, वो एक ही बात कहते हैं, जिसका टेंडर दिया हुआ है अगले महीने से यहाँ शुरू हो जाएगा रोड बनना, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। ये शास्त्री कॉलोनी की सड़क है भैया, बहुत बुरा हाल है। जब इतना कवाड़ा है यहाँ बहुत ज़्यादा, और धागे 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 धागे, और इतनी गंदगी, बहुत ही गंदगी है। 5-6 साल तो हमारे साथ भी हो गए, यूँ ही देखते देखते ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये यहाँ का तो कूड़ा कवाड़ा, इधर का कूड़ा कवाड़ा तो कभी जाता ही नहीं। बारिश के दिन देखो कि कीचड़ सा पानी भर जाता है पूरी तरह, कि बच्चे भी बीमार है, दस्ते लग जाते हैं बच्चों को, आए दिन तो बच्चे बीमार पड़े रहते हैं यहाँ के मोहल्ले वाले। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। आँखों में सपने सजे, उम्मीदें बनने लगी है, कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI कई दगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है, और माँ है जितने भी सारे पूरे होने। Intellectual study with joy and fun together. Gita Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. Poore honge saare sapne.
पूर्व विधायक फतेह चंद की याद में उनके पुत्र व भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने दो वाटर कूलर का उद्घाटन किया। भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने अपने पिता व पूर्व विधायक फतेह चंद की याद में शहर में अलग अलग वार्डों में वाटर कूलर लगवाए। इस दौरान उनकी धर्म पत्नी नीरू विज व सांसद संजय भाटिया की पत्नी अंजू भाटिया के अलावा भाजपा के कई नेता व पार्षद मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए विज ने कहा कि किसी भी वार्ड या सार्वजनिक जगह पर किसी को भी वाटर कूलर की जरूरत है तो वो उन्हें बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये भाजपा पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि उनके व्यक्तिगत तौर पर लगाए जा रहे हैं। आज हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है। आज स्वर्गीय पिताजी फतेह चंद जी बीज की याद में ये कूलर लगाया गया है और इसका उद्घाटन करने के लिए आपके अपने बीच में आपके अपने सांसद भाई संजय भाटिया जी के धर्मपत्नी अंजू भाटिया जी अपने साथियों के साथ आए हुए हैं। मैं उनका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत और इस कूलर के लिए मुझे रामकुमार सैनी जी ने दिनेश सैनी ने कहा कि हमारे मन कहा कि यहाँ इसकी बहुत जरूरत है तो इसके निमित्त एक कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कूलर यहाँ लगाया गया। समाज की जो भी समस्याएं हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष सांसद सभी लोग आपके बीच में है। जब भी आपको कोई समस्या हो अपने पार्षद के माध्यम से हमारी मीडिया कोमल है, यहाँ कोमल हर हफ्ते अपनी प्रॉब्लम लेके बताती है कि समाज की यहाँ पे क्या दिक्कत है, लोगों की क्या दिक्कतें हैं। पहली बार पार्षद बनी है कोमल, लेकिन इतना उत्साह है और काम करने की लगन है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हर समय उनको चिंता रहती है और शायद आपको जानी भी आपने ऐसी शिक्षा दी होगी तभी वो ऐसा करती है। आईबीएल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हिंदी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस प्रतियोगिता में आज के समाज में संयुक्त परिवार की बढ़ती मांग और आने वाले भारत का रूप कैसा होगा, इन सब विषयों पर बच्चों ने अपनी अपनी योग्यता अनुसार विचार प्रकट करते हुए सबको अवगत करवाया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर टैगोर सदन की यशिका और द्वितीय स्थान पर गांधी सदन की तानिया रही। वहीं द्वितीय वर्ग में गांधी सदन का कनिष्क प्रथम और टैगोर सदन की प्रतिभा द्वितीय रही। सभी सदनों में टैगोर सदन प्रथम स्थान पर रहा। वहीं स्कूल की उप प्रधानाचार्य मीना तनेजा ने बच्चों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता से बच्चों की प्रतिभाएं सामने आती हैं। आज आईपीएल पब्लिक स्कूल पानीपत में हिंदी और इंग्लिश डेक्लामेशन का आयोजन किया गया जिसमें चार सदनों ने जिसमें गांधी नेहरू सुभाष और टैगोर सदन के बच्चों ने भाग लिया। इसमें दो वर्ग बनाए गए थे 6-8 और 9-12। 6-8 में टॉपिक था संयुक्त परिवार आज की जरूरत और 9-12 का टॉपिक था 2050 का भारत। यशवी द्वितीय वर्ग से प्रथम रही और ओवरऑल में हिंदी से टैगोर सदन विजयी रहा और इंग्लिश से नेहरू सदन ने ट्रॉफी को जीता। इस प्रतियोगिता को कराने का मेन जो उद्देश्य था वो था कि बच्चों का स्टेज फियर खत्म हो, बच्चे अपने भाव को व्यक्त कर पाए और वो अपने संयुक्त परिवार की महत्ता को समझा पाए। गीता विद्या मंदिर स्कूल के प्रांगण में सैंडविच व लेमनेड मेकिंग एक्टिविटी का आयोजन हुआ। इस मौके पर स्कूल का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। ये एक्टिविटी पहली से पांचवी कक्षा तक के विद्यार्थियों के बीच हुई। इस एक्टिविटी को आयोजित करने का उद्देश्य विद्यार्थियों को गर्मी से राहत दिलाने के मकसद से उन्हें कुकिंग विदाउट फायर द्वारा पौष्टिक व स्वास्थ्य वर्धक आहार से युक्त सैंडविच व लेमनेड बनाने के लिए प्रेरित करना था। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन SP बंसल ने विजयी छात्र छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने विद्यार्थियों को घर का बना हुआ भोजन खाने के लिए प्रेरित किया। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। 101 रुपए डाउन पेमेंट पर होंडा का कोई भी स्कूटर RC प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। 3,999 डाउन पेमेंट पर होंडा की कोई भी मोटरसाइकिल RC प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। आसान एक्सचेंज एवं फाइनेंस सुविधा LK होंडा गोहाना रोड पानीपत असंध रोड पानीपत GT रोड मालखा।